You are watching News 41 Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा औरंगाबाद पार्लियामान हलके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रियासती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली वकार इम्तियाज जलील साहब, मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हलके के एमएलए और शहर अजीज के हर दिल अजीज रहनुमा हमारे कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही छोटे बड़े जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए मजलिस के बहिरवान हमदर्दान, दूर घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माए बहने, आज का ये जो प्रोग्राम है कोरोना कोविड की जो सेकेंड लेयर थी उस सेकेंड लेयर के लहर के दौरान हमारे कौमी सदर जो सेकेंड वेव थी उसमें हमारे कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव शहर के शहरियान से एक वादा किया कि कोरोना का कहर जिस तरीके से जारी है उसको देखते हुए वो मालेगांव शहरियान को जो कोरोना के लिए जो लवाजमात लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो सामान लगते हैं, उन साहब ने वो तमाम इक्विपमेंट्स जो है हमारे शहर ले आया है और आज हमारे मजलिस के जो जिम्मेदार है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उनके ये सुपुर्द किया जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मजलिस सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, मजलिस का सियासी होना अपनी एक मजबूरी है। ये हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हुकूम की लड़ाई सियासत के जरिए ही हम लड़ सकते हैं, ये हमारे दस्तूर की एक खूबसूरत जो है रूह है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात के साथ साथ एक तहरीक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है। मजलिस इस मुल्क में जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ती है। जहां जहां ऐसे दबे कुचले लोगों को जो समाज में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, उनके लिए हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आई है। चाहे कानूनी पहलू हो, चाहे सामाजिक पहलू हो, हर मामला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनकी रहनुमाई की। आज मुल्क भर में कोरोना के जो हालात हुए, आप लोग आज उनसे बखूबी वाकिफ हैं कि किन हालात, कैसे हालात ये मुल्क में कोरोना के जो कोरोना के दौर में अपने इलाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीजों का इलाज किया। जब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो मालेगांव शहर में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस शहर के एमएलए जो बजात खुद कोरोना से मुतासिर होने के बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी लगातार जब तक के कोरोना की ये दूसरी लहर खत्म नहीं होती है मुसलसल इस शहर के लिए काम करते आ रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि सिविल हॉस्पिटल में ड्यूरा सिलेंडर की जरूरत थी वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर की रहनुमाई की। जहां पर 20 स्केल गैस सिलेंडर की जरूरत थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने महाराष्ट्र के वजीर सेहत से गुफ्तगू कर यहां पर गैस का नस्ल करवाया। औरंगाबाद के तारीख से आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया सरकार की जानिब से यह प्रोग्राम जाहिर किया गया तो हमारे बेबाक रहनुमा, हमारे रियासती सदर औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आगे बढ़कर कहा कि लॉकडाउन जो है ये मसले का हल नहीं है, लॉकडाउन से जो है बीमारी का हम रोकथाम कर सकते हैं लेकिन लॉकडाउन से जो मुतासिर खानदान हो रहे हैं, जो गरीब खानदान है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जो रोज की कमाई से अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, ऐसे लोग इस लॉकडाउन से बेहद मुतासिर हो गए। लॉकडाउन की जो पॉलिसी है ऐसी होना चाहिए जिसमें इन गरीबों का नुकसान ना हो। बसूरत देकर अगर हुकूमत इस बात को नहीं मानती है तो ये पहले वाहिद मुजाहिद और शेर थे जिन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया था और उनकी तहरीक के ऐलान से हुकूमत महाराष्ट्र ने डरकर पहले लॉकडाउन का फेज वापस लिया था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लॉकडाउन में काम का कारकर्दगी है। आज हमने हर तरीके से ये लॉकडाउन में हमारे जिम्मेदारों ने काम किया है।
फडणवीस ने सिर्फ जबानी जमा खर्च से जो है इस लॉकडाउन में काम नहीं लिया किया। आप कौमी सतह से लेकर आज शहरी सतह पर आप देख रहे होंगे कि मजलिस के जितने जिम्मेदार है उन्होंने अपना जो है फर्ज कहा है उसने खुद ही निभाया। ऐवानों में कहा, सड़कों पे कहा, जहां जहां नुमाइंदगी की जरूरत रही हमारे नुमाइंदों ने अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया। आज उसी की एक कड़ी के सिलसिले में आज हमारे कौमी सत्र की जानिब से मालेगांव शहरियान के जो कोरोना मरीज है उनके इलाज के लिए ये लवाजमात लाए गए हैं। मैं तमाम शहरियान की जानिब से, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की जानिब से मैं हमारे कौमी सत्र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका ममनून हूँ कि आपने मालेगांव शहर पर तवज्जो दी। जिस तरीके ने आपने लॉकडाउन के पहले फेज में आपने यहाँ पर जो है रैली भेजकर मालेगांव शहर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसी तरीके से आपने मरीजों के इलाज के लिए जो लवाजमात भेजे हैं ये मालेगांव शहर आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। जो आपने वादा किया था कि आप इस शहर से नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुंतखब करके दो, आप इस शहर को अपना शहर मानेंगे और जरूरत पड़ने पर इस शहर के साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल हमारे कौमी सत्र ने अपने वादे को बजा लाया और ईमानदारों तरीके से अपने वादे को पूरा किया। और जिसे शहर पूरी खुली आंखों से देख रहा है, रियासत पूरी खुली आंखों से देख रही है, मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब का के जरिए हमारे कौमी सदर के शुक्रिया के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाफिर दावाना हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क।